एक दूसरे के नीचे काम करते, तुम लोग खुद के नीचे काम पे लगाओ ना किसी को। तो हम लोग अगर अभी सोचेगी ना कि अगर कोई स्टार्टअप करे, फिर भी हम लोग को डर लगता है सोच के कि होगा कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं, पर नहीं, हार नहीं मानते हम लोग भी, फिर भी करते। पर तुम लोग के पास तो ऑलरेडी फिर भी तुम लोग रोते। तुम लोग दूसरों के पास काम करके 10,000-15,000 सैलरी ले सकते, लेकिन खुद के धंधे पे खड़े रह के तुम लोग को 25-30,000 कमाने को क्या प्रॉब्लम है? हम लोग देख, फोन पूछता है क्या, जॉब से निकाल देना मेरे को, सैलरी टाइम पे नहीं आता है। तुम लोग को सैलरी टाइम पे आता है ना, पैसा मिलता है ना, रोज का गल्ला होता है ना, हम लोग को हफ्ते के हफ्ता आधा महीना निकल जाता है सैलरी मिलने को, मिल रहे तो तुम लोग को खड़े रहने का धंधे पे, समझे क्या? ये मैं ही था, बचा के खुद को ले आया किनारे तक। ये मैं ही था, बचा के खुद को ले आया किनारे तक। समंदर ने बहुत मौका दिया था डूब जाने का। जिंदा। परिस्थितियां नौकरी भी करवा सकती है, परिस्थितियां दुकान खुलवा सकती है, परिस्थितियां कुछ भी करवाए, वो चीजें बुरी नहीं है, वो काम बुरे नहीं है। सोच अगर घटिया रह गई, सारा खेल सोच का है। आपको अपनी सोच को इंक्रीज करना होगा। सोच में गरीबी आ गई तो विश्व में कोई अमीर बना नहीं सकता। एक गरीब आदमी था, सूखी रोटी खा रहा था, कुछ रोटी पे था नहीं, कोर को तोड़ता और यूं कर करके खा रहा था। एक सज्जन वहाँ से गुजरा, उन्होंने पूछा, भाई क्या कर रहे हो, तो ये क्या कर रहा है ये बता। भाई साहब रोटी पे कुछ नहीं है, तो ऐसे सोच रहा हूँ कि भाई चटनी रखी है तो सोच सोच के खा रहा हूँ। तो उसने कहा, जब सोच ही रहा है तो तू गुलाब जामुन क्यों नहीं सोच रहा, बर्फी क्यों नहीं सोच रहा रे? चटनी से यकीन होता है, हो सकती है, और कुछ हो ही नहीं सकता। जिनकी सोच में ही चटनी है, उनके जीवन में धन दौलत कैसे आएगी? मेंटलिटी भारी रखनी होगी और ये सोच होगी तो एक दिन पूरी। जब आप शुरू करते हो बिजनेस, ओके, आप डे वन पर पैसा नहीं ला सकते और डे वन पर आप मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, अकाउंट्स, एचआर मैनेजमेंट को सेटअप नहीं कर सकते। जब आप शुरू कर रहे हो बिजनेस, माइलस्टोन्स आपके रखो कि पहले मैं प्रूफ करूं कि मेरा प्रोडक्ट और सर्विस काम आता है लोगों के और लोग उस काम के पैसे देने के लिए रेडी है। जब वो प्रूफ हो जाता है, जो इंसान पैसे बचाने की सोचता है वो कभी पैसे कमा नहीं सकता। और ज्यादातर बिजनेस ओनर्स जो है वो इसी ट्रैप में फंसे रहते हैं। और ये मार्केटिंग सेल्स का जो काम है ना, या ऑपरेशंस हो या मैनेजमेंट हो या अकाउंट्स हो, ये सिर्फ क्राइसिस मोड में करते हैं। जब इनको रियलाइज होता है कि भाई कोई इंक्वायरी नहीं है तो चलो करते हैं मार्केटिंग, 3 हफ्ते उधर फोकस हो जाएगा एंटरप्रेन्योर का। उसके बाद लीड्स आएंगे तो सोचेंगे कौन जाएगा लीड को क्लोज करने के लिए, कौन है बेस्ट सेल्स पर्सन, मैं खुद ही। तो वो नेक्स्ट 3 हफ्ते सेल्स में चले जाएंगे, मार्केटिंग में कुछ काम का धंधा ऊंचाइयों पे जाके नीचे आ गए, घबराना नहीं। अगर आपकी जिंदगी में आप ऊंचाइयों पे थे और नीचे आ गए, ये अनिवार्य घटना है। एक शिखर से अगले शिखर पे जाने के लिए नीचे आना ही पड़ेगा। ओह यार क्या सिद्धांत मिल गया रे, शिखर से शिखर पे जंप का कोई रास्ता नहीं है, नीचे आना ही पड़ेगा। 84 में हमदर्द, 1903 में हिंदुस्तान यूनिलीवर, पुरानी पुरानी कंपनियां इतने इतने साल पहले की, और अचानक बाबा जी आ गए 2006 में। बाबा जी 2006 में आ गए, अलोम विलोम करते हुए, अंदर पेट बाहर पेट, ये पेट उधर पेट, मटका घुमाया, इधर उधर किया, बाजार लूट के ले गए। 2006-2007 में पतंजलि का टर्नओवर 50 करोड़ रुपीज था। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में पतंजलि का टर्नओवर 9,857 करोड़ रुपीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको क्या पता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है अगर आपको जो पता है उसको जिंदगी में आप किस सुंदरता से इंप्लीमेंट करते हैं। और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन आया, इससे फर्क पड़ता है कि बाद में आया अच्छे से किया या नहीं किया। फर्स्ट मूवर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, फास्ट मूवर्स की दुनिया है। बहुत ही जगह मैं बात बोलता हूं कि पहले आने से कुछ नहीं होता अगर आप कुछ करते नहीं है। बेटर था कि बाद में आते, धड़ाके के साथ काम करते और दुनिया को पीछे छोड़ के चले जाते। समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ, मेरी बात पल्ले पड़ रही है तो बोलो हाँ। तो नॉलेज इज, तो व्हाट इज द पावर, हाँ, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। आपके सबके आगे एक पानी का बॉटल पड़ा है, क्या वाटर बॉटल है, इसको आप सीधा खड़ा करिए। मैं आपको 2 मिनट के अंदर एक मैजिक दिखाता हूँ, आपने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं होगा। आदमी की ताकत दिखाता हूँ मैं, कितनी जबरदस्त होती है। आप बिना अपनी बॉटल को टच किए सिर्फ आंख से देखकर इसको गिरा सकते हैं विद इन 1 मिनट। बिलीव सिस्टम की ताकत मैं आपको बताता हूँ कि आपको छूना नहीं है बॉटल को, मैं कुछ एक्टिविटी कराऊंगा, सिर्फ आपको देखना है 1 मिनट बॉटल के टिप पे, जो बॉटल का ढक्कन रहता है, टिप रहता है, उसको घूरना है
और सिर्फ ध्यान से इसको देखना, आजू बाजू देखना नहीं, बात नहीं करनी, सोच लो कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ आप है और बॉटल है। जितनी एनर्जी आपके अंदर है ना, आपको लगता है मेरे में जितनी ताकत है, इस बॉटल के टिप पे डाल दीजिए अपनी आंखों के, ध्यान से देखिए गिरेगा, 6 5 4 3 2 1 बूम। किसी का भी नहीं गिरा, नो प्रॉब्लम। किस किसके पास सीधा हाथ है, राइट हैंड, वो बॉटल के ढक्कन के पास रखिए, बॉटल के ढक्कन के पास रखिए, अब ऐसे गिरा दीजिए, गिरा दीजिए नीचे, गिर गई। हाँ, देखने से नहीं करने से होता है। कुदरत आपको देखना चाहती है कि ये जो काम करने जा रहा है ये उस काम करने के लायक है या नहीं। तो अगर आपकी जिंदगी में चुनौतियां आनी शुरू हो चुकी हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तो ऊपर देखिए और धन्यवाद दिए परमपिता परमेश्वर को कि आपका सही टेस्ट चालू हो चुका है, आप उसके राडार में आ चुके हो और वो देख रहा है कि इस आदमी को बहुत कुछ देना है, इसको ट्रायल पे डालो, ये प्रकृति का ट्रायल है गाइस। जो जो इंसान दुनिया में एक काम के ऊपर डिपेंड रहे, समझ लो कितना बड़ा खतरा है। सिर्फ नौकरी पे डिपेंड, सिर्फ ट्रेडिशनल बिजनेस पे डिपेंड, अरे अगर यही होता तो अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल नहीं बेचता भाई, उसको पता है साला पिछली बार 400 करोड़ चला गया था माइनस, अब की बार एक्स्ट्रा करके रख, एक्स्ट्रा बना के रख, रिजल्ट आएगा तू भी काम करूंगा, नहीं आएगा तू भी काम करूंगा, सर्कमस्टेंसेस अच्छे तू भी करूंगा, नहीं अच्छे तू भी करूंगा, आस पास जो कंडीशन है वो मेरे हाथ में नहीं, जो रिएक्शन आएगा वो मेरे हाथ में नहीं, लेकिन एक्शन मेरे हाथ में है, तो कंडीशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। मेरे हाथ में एक्शन है, मेरे हाथ में एफर्ट है, मैं उस एफर्ट को इन्फ्लुएंस करूंगा, जितनी मात्रा में एफर्ट मजबूत करूंगा उतनी मात्रा में मैं रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा नहीं तो। आज मुझे अपना करियर शुरू करना होगा जीरो से, मैं मान लेता हूँ मेरी एज है 18-19 साल, मैं क्या करूँ, डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा। डिजिटल मार्केटिंग से ज्यादा किसकी वैल्यू है आज के टाइम पे, लगा लो दिमाग, इससे ऊपर किसी की वैल्यू है, इससे ऊपर किसी की वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू उससे भी ज्यादा है जो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट बनाने की जिसके अंदर स्किल है, उससे भी ज्यादा वैल्यू है। तुम्हारे में 6 महीने बिना सैलरी कमाए बैठने का जिगरा है तो तुम एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हारे पास विजन है अभी भी एंटरप्रेन्योर बनने का, बट जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि बस मैं 6 महीने नहीं कमा रहा कुछ, तनखा तो इट्स अ ड्रग, यू नो पहली तारीख को आ जाएगी आपको बहुत अच्छा लगेगा, 30 तारीख तो खत्म हो जाएगी आपको बहुत बुरा लगेगा, बट फिर से पहली को आ जाएगी फिर आपका ग्लूकोज चढ़ जाएगा, तो गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट। महेंद्र सिंह धोनी को 19 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना नहीं आता था क्या, बिल्कुल आता था, फिर भी वो अंडर-19 नहीं खेला, दिलीप ट्रॉफी में उसका सिलेक्शन हो गया लेकिन उसकी फ्लाइट छोड़ गई, सब अच्छा चल रहा था उसके लाइफ में, उसके गर्लफ्रेंड की डेथ हो गई, टीटी की जॉब की उसने 1 साल तक, उसको यही सवाल था कि मैं यहां पे कर क्या रहा हूं, ऐसा क्यों हुआ उसके साथ, उसको तो सब मिलना चाहिए था ना बहुत जल्दी, युवराज सिंह को मिल गया, मोहम्मद कैफ को मिल गया, लेकिन धोनी को क्यों नहीं मिला, व्हाई, उसको कैप्टन कूल बनाना चाहता था कॉस्मोस, उसने क्रिकेट को चुना और क्रिकेट ने कहा कॉस्मोस से कि बेटा इसको बहुत कुछ देना है, ये भारत को हर ट्रॉफी ला के देगा, बनाओ इसको, तोड़ो इसको। मैं जानता हूं कि तुम लोग काबिल हो, तुम्हारे पास में चीजें हैं, लेकिन कभी कभी जब नेचर को तुमसे प्यार हो जाएगा ना, उस समय पे वो तुमको इतना तोड़ेगा तुमको छोटा सा कुछ दे देगा, एंड ही विल चेक कि अगर ये इसके लिए सेटल हो जाता है तो इसको फिर नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम उसमें सेटल नहीं हो गए तो कॉस्मोस फिर तोड़ना शुरू करेगा, क्योंकि उसको कुछ बड़ा देना है तुम्हें। महेंद्र सिंह धोनी बना के रखना ही नहीं चाहती थी, वो सबका एमएस बनाना था उसको। आईपीएल हो रहा है 2023 का, कौन देख रहा है आईपीएल, सब ये देखते रहते धोनी का आ गया यार, चेन्नई सुपर किंग के मैच में जडेजा कब आउट होगा, धोनी कब आएगा, मैं कभी नहीं देखता आईपीएल, इस साल देखूंगा, अगले साल दिखेगा धोनी नहीं पता, माही हमारा। स्कूल में हमें ये सिखाया जाता है कि अकबर की मृत्यु कब हुई, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करें। स्कूल में हमें ये सिखाया जाता है कि डायनासोर कब आए, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि अपने कम्युनिकेशन स्किल को कैसे स्ट्रांग करें। स्कूल में हमें ये सिखाया जाता है कि 1865 का युद्ध किसके बीच हुआ, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि लीडरशिप क्वालिटी को कैसे डेवलप करें। स्कूल में हमें ये सिखाया जाता है कि अच्छे मार्क्स लाना बहुत जरूरी है, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि बिजनेस कैसे करते हैं। दोस्त, स्कूली एजुकेशन से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट
आपका प्रैक्टिकल एजुकेशन है, क्योंकि स्कूल एजुकेशन से आप 40 से 50 हजार की नौकरी पाकर लाइफ को एडजस्ट करके जी सकते हैं। लेकिन आप कभी अमीर नहीं बन सकते, आप कभी लैम्बोर्गिनी रोल्स रॉयस जैसी बड़ी गाड़ियों में नहीं घूम सकते, आप कभी अपने पेरेंट्स के फेस पर वो स्माइल नहीं दे सकते जो आपके सक्सेस होने पर उन्हें मिलेंगी। इसीलिए दोस्त, स्कूल एजुकेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक बार की बात है जब बिल गेट्स का इंटरव्यू बहुत सारे रिपोर्टर्स ले रहे थे, तभी उसी में से एक रिपोर्टर उनसे पूछता है कि आपके सफलता का राज क्या है। बिल गेट्स अपनी जेब से बिना कुछ बोले एक चेक निकालते हैं और उसे चेक साइन करके दे देते हैं और उस रिपोर्टर से कहते हैं कि तुम्हारा जितना मन करे उतना अमाउंट तुम इसमें भर सकते हो। रिपोर्टर हंसते हुए उनकी ये बात को मना कर देता है। फिर बिल गेट्स कहते हैं कि यही रीजन है, मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मना ना करता। मैं कभी भी किसी भी मौके को नहीं खोता, इसीलिए अपॉर्चुनिटी आपको भी नहीं खोनी चाहिए। इसीलिए जब भी आपके लाइफ में आपको एक मौका मिले तो उस मौके को आपको गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो मौका आखिरी हो। आप में से कितने लोग ये कहते हैं कि मैंने साइकिल चलाना किताब पढ़ के सीखा है, या मैंने कार चलाना किताब पढ़ के सीखी कि मैं किताब पढ़ रहा था। और अच्छा, कौन सा गियर लगेगा, अच्छा कब ब्रेक लगाना है, अच्छा कब क्लच लगाना है। क्या आप किताब पढ़ के कार चलाना सीखा, किताब पढ़ के आपने बाइक चलानी सीखी, लेकिन क्या कार चलाना साइंस नहीं है, विज्ञान है, पूरा पूरा विज्ञान है। लेकिन क्या उस विज्ञान को सीखने में आपको पढ़ाई करनी पड़ी, नहीं। आपने कार चलाना किसी किताब को पढ़ के नहीं सीखा, आपने बाइक चलाना किसी किताब को पढ़ के नहीं सीखा, आपने चलाते चलाते सीख लिया। धंधा पढ़ाई करके नहीं होता, धंधा करके सीखा जाता है। करेंगे तो शुरुआत हमेशा स्लो होती है। पहली दिन जब मैं जिम गया था तो उसके बाद जब स्वेटर उतार के देखा तो आर्नोल्ड नहीं लग रहा था अपने आप को देख के। पहले शुरुआती रिजल्ट हमेशा छोटा ही रहता है, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। जो भी आपके माध्यम से आज लोग देख रहे हैं, जिस एरिया पे काम कर रहे हैं, भाई साहब, कंसिस्टेंसी इन प्रोग्रेशन विल गेट यू आउट ऑफ रिसेशन एंड डिप्रेशन। कंसिस्टेंसी इन प्रोग्रेशन बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आप यूपीएससी की पढ़ाई के बच्चों को बहुत सिखाते हैं, सिखाते हैं नहीं, उनके ऊपर काफी वीडियो डालते हैं, मुझे कोई बता रहा था। तो यूपीएससी भगवान में भगवद गीता में भी सिखाई है। वो कैसे सिखाई है, उनके हिसाब से यूपीएससी का अर्थ है अनफ्लिंचिंग पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन। यूपीएससी अनफ्लिंचिंग पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन। दिमाग एक नंबर का हरामखोर आइटम है, ये उतना ही काम करता है जितना आप इससे पूछिए कि मैं 20,000 रुपए महीना कैसे कमा सकता हूं, ये आपको बताए। आप इससे पूछिए कि 50,000 महीना कैसे कमाऊं, ये आपको बताता है। आप इससे पूछिए 1,00,000 रुपए कैसे कमाऊं, आप इससे पूछिए 2,00,000 कैसे कमाऊं, ये आपको बताता। ये बताएगा साला उतना ही जितना तुम इससे, तो बड़ा क्यों नहीं पूछते यार, मैं तो ये पूछ रहा हूं तुमसे। तो कुछ भी चीज सेल करनी हो दुनिया में, बस ये तीन चीजों से हो जाती है। PEU, ओके। सो पी इज प्रिपरेशन, राइट, कि तुम प्रिपेयर कर लो खुद को, खुद के प्रोडक्ट के बारे में तुम्हें इतना पता होना चाहिए एब्सोल्युटली हर चीज, और तुम प्रिपेयर कर लो कि सामने वाले को, राइट, ठीक है, क्या क्या चाहिए जो तुम्हारे प्रोडक्ट में है, दैट्स प्रिपरेशन, राइट। ई इज इमोशन, राइट, कोई भी दुनिया में कोई चीज इसीलिए खरीदता है, या तो उसको फियर है या तो एस्पिरेशन, राइट, या तो उसकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी, right, या अगर वो ये नहीं लेगा तो उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, राइट। तो ई इज इमोशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड द इमोशन, करेक्ट। एंड थर्ड इज अर्जेंसी, यू इज अर्जेंसी, करेक्ट, कि तुम्हें बताना है कि ये आज चाहिए, राइट। तो यू इज नेवर, कि तुम उसको ये नहीं बोलोगे कि अभी ले लो अभी ले लो अभी ले लो, राइट। इट्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, किसी ने अगर बोला तुम्हें कि चलो अगली बार ले लेंगे ये, तो तुम उसको हैंडल करोगे, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार ले लेना, पर आज अगर ऐसे लेते हो तो इतनी जल्दी उस पोजीशन में पहुंच जाओगे। आपकी अगर ड्रीम स्टेट है, आपको पहुंचना है, फॉर एग्जांपल किसी ने बोला मेरा सॉफ्टवेयर है और आपके गोल्स हैं जो 3 साल में आपको अचीव करने हैं, राइट, विद दिस सॉफ्टवेयर आप अर्जेंसी क्रिएट करोगे 1 साल में अचीव कर सकते हैं, राइट, विद दिस सॉफ्टवेयर 9 महीने में अचीव कर सकते हैं, 8 महीने में अचीव कर सकते हैं। आई थिंक मेरे लिए फॉर्मूला बस ये कि PEU, प्रिपरेशन, इमोशन एंड अर्जेंसी एंड सेल अ प्रोडक्ट। बिजनेस किया नहीं जाता, बिजनेस हो जाता है, जैसे प्यार है ना, सुना है आपने, प्यार की जैसा है बिजनेस, प्यार में और बिजनेस में ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पर आप किसी इंसान से प्यार है, यहाँ पर अपने काम से प्यार है, इसको बोलते हैं बिजनेस, ना कि पैसे से प्यार है।
क्या होता है एंटरप्रेन्योर, जो इंसान अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेवे वो एंटरप्रेन्योर है। जो इंसान कहे मुझे सिर्फ उतना चाहिए जितना मैं मेहनत करूं वो एंटरप्रेन्योर है। मैं मेरी जिंदगी के नॉलेज को, स्किल्स को और एटीट्यूड को लीवरेज करके अपने जीवन का सृजन करना चाहता हूं वो एंटरप्रेन्योर है। छोटे रिसोर्सेज को पकड़कर अपनी जिंदगी में उनका लीवरेज करके उनका विकराल रूप बना देवे, एक विचार को मूर्त रूप देकर उसको जबरदस्त विशालकाय विचार में तब्दील कर देवे वो एंटरप्रेन्योर है। अगर आप ये सोच के कर रहे हो ना बेचा मिला बेचा मिला बेचा मिला, ये एंटरप्रेन्योर की सोच नहीं है भाई साहब। एक मालिक की सोच डेवलप करनी होगी, एक मालिक की। अगर रस्सी भी पत्थर पे बार बार घसे 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 तो साला पत्थर पे निशान छोड़ देती है लगातार बार बार। पानी की बूंद अगर एक शिला पे गिरती रहे टिप 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 तो पत्थर में सुराख कर देती है। इतनी ताकत है कंसिस्टेंसी की। गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एक हथौड़ा उठा लिए, एक बहुत बड़ी शिला है उस पर जोर से मारिए कुछ नहीं होगा। फिर मारिए अगले दिन उसी जगह पे कुछ नहीं होगा। तीसरी बार फिर मारिए कुछ नहीं होगा। नहीं 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 गलत हूं मैं, दिख नहीं रहा हो तो कीप हिटिंग मारते रहिए। 20 दिन 30 दिन 50 दिन 60 दिन, एक दिन साला तुम हथौड़ा उठाओगे ना उसकी हवा से सारा चकराचूर हो जाएगा। दिखेगा नहीं, सफलता दिखेगी नहीं, अचानक तुमको खुशबू आनी शुरू होगी आफ्टर 10 मंथ्स 11 मंथ्स 12 मंथ्स कि सारा अब मजा। माना कि मुश्किल है सफर पर मुसाफिर, हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला। मैंने हमेशा सीखा यू आर द एवरेज ऑफ 10 पीपल अराउंड, जिसका मतलब आपके आसपास के जो 10 लोग हैं आप ना चाह के भी उन 10 लोगों के एवरेज बन जाते हैं। अगर आपके आसपास 10 लोग हैं जो बड़ी चीजें सोच रहे हैं, आप अगर छोटी सोच रहे हो, आप उनके आसपास रह के सोचते थोड़ा मैं भी बड़ी सोच लेता हूँ, बड़ा नहीं तो मीडियम तो सोच लेते हैं छोटे से। पर अगर आपके पास 10 लोग हैं जो लोग दिन भर ये सोच रहे हैं कि चलो मैंने कुछ मान लीजिए छुट्टी मनाने के बारे में सोचना है, तो आपके दिल में बिल्कुल छुट्टी का दिल नहीं होगा, पर फिर भी आप भी सोचेंगे थोड़ी छुट्टी मैं भी सोच लेता हूँ। प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे ना तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और जब गोल पे ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। हिम्मत चाहिए, हिम्मत बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, पहले बड़ा सोचने के लिए चाहिए। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो सफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ, वो धक्का मार मार के आपको सफल बना देंगे। आज तक ये लाइन आपने कभी नहीं सुनी होगी, जो खुद के ऊपर रहम कर गया वो टफ नहीं बन पाएगा। मैंने कभी खुद के ऊपर रहम नहीं किया। अगर मुझे 2 काम मिल रहे हैं, एक आसान और एक मुश्किल, मैंने रहम नहीं किया मेरे ऊपर। मुश्किल वाला उठा, रहम नहीं किया कभी अपने ऊपर, अपने आप को टफेस्ट चैलेंज से गुजारा। अगर आपको मौका मिलता है मीटिंग आप ले कि आपका अपलाइन ले, ये दोनों ऑप्शन है, 99% लोग चुनते हैं सर, इससे अच्छा क्या होगा कि आप हमारी मीटिंग ले। चुन लिया आसान रास्ता, चुन लिया आसान रास्ता मत चुने। अपना संपूर्ण विकास करने के लिए टफनेस चाहिए, और वो एक ही रास्ता है, खुद के ऊपर रहम नहीं। पुष्पा बनना साला झुकेगा। एक एंटरप्रेन्योर एक्चुअली किसी का बॉस नहीं है, वो सबका गुलाम है। वो कस्टमर का भी है, इन्वेस्टर का भी है, एम्प्लॉइज का भी है। एम्प्लॉय ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, छोड़ के चला जाएगा। जवाब आपको देना है, और आप सोचते हो मैं जब चाहे काम करूंगा, फ्लेक्सिबल होगा। वो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है 24/7 काम करोगे। तो जो आप सोचते हो उसका बिल्कुल उल्टा होता है। ये 2 एक्सपेक्टेशंस हैं, तो स्टार्टअप नहीं करना चाहिए। लोग स्टार्टअप इसलिए खोलना चाहते हैं कि खूब सारी फंडिंग मिल जाएगी, पहला। और दूसरा इसलिए बनना चाहते हैं कि हमको खुद का बॉस बनना है, हम किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, हम मर्जी के मालिक हैं। अगर आप ये 2 माइंडसेट से कर रहे हो तो मत करो। स्टार्टअप करने का सही रीजन है कि आप किसी चीज को लेके इतने पैशनेट हो कि आप फेल भी हो गए ना तो आपको फेल होने में भी मजा आएगा। तो वो करो जिसमें फेल होने में भी मजा आए। अगर पता हो, जैसे मैं जो आजकल जो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मुझे पता है मेरा कुछ होना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जिंदगी भर 2 घंटे वो खेलने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को उसके में फेल होने में भी मजा आता है। प्रैक्टिस इतनी प्यारी चीज है। एक पहलवान एक शो में गया तो उसने एक नींबू लिया,
पूरा नींबू निचोड़, 400 केजी का पहलवान निचोड़ दिया, फिर नींबू उसने सामने रखा, कहा किसी माई के लाल में हिम्मत हो तो इसमें से एक दो बूंद निकाल के दिखाए, और जो निकाल के दिखा देगा उसको 1,00,000 रुपया दूंगा। और दुबला पतला आदमी भीड़ से उठा, ऐसे चढ़ के आया, उठाया नींबू, 3-4 बूंद निकाल दी। पहलवान जी की तो हालत ही खराब हो गई, कह रहे यार ये क्या हो गया। पहलवान जी ने कहा प्रभु आप कौन। अरे बोले यार राजस्थान जयपुर से सीकर जो बस चलती है उसमें मैं चना बेचता हूं। प्रैक्टिस है ना, दिन भर नींबू निकाल रहा है, प्रैक्टिस ही तो है। अंडे की किस्मत में टूटना लिखा है, अंडे ने टूटना ही टूटना है, लेकिन वो अंडा अगर बाहर की फोर्स से टूटता है तो उसके अंदर की जिंदगी खत्म, अगर वो अंडा अंदर की फोर्स से टूटता है तो जिंदगी शुरू। आप कौन हो, आप कौन हो ये खुद डिसाइड करो, ना कि बाहर से आपको कोई डिसाइड करे तुम ये बन सकते हो, तुम वो बन सकते हो, तुम्हें ये नहीं हो सकता, तुम वो कर सकते हो। तुम्हें सब पता है, सबसे बड़े जज और सबसे बड़े अपने क्रिटिक। 60 सेकंड में आपको बताता हूँ एक 6-स्टेप मॉडल जिससे आप कोई भी लक्ष्य अचीव कर सकते हैं। एक पेन पेपर ले लें और सबसे पहले आप अपनी लाइफ के सारे गोल्स लिख लें, बड़ी लिस्ट बना लें। उसके बाद इस लिस्ट में से टॉप के 3 गोल छांट लें, जो अगर पूरे हो गए तो आप अपनी जिंदगी को कामयाब मानेंगे। अब एक अगले शीट पे आप लिख लें कि अगले 6 से 12 महीनों में कौन से 3 गोल हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। फिर उसके बाद चौथा काम करें, एक लिस्ट बना लें कि कौन कौन से काम आपको रोज करने हैं ताकि आपके ये गोल्स पूरे हो जाएं। पांचवा, अब इस बड़ी लिस्ट में से टॉप के 3 काम छांट लीजिए, उन्हें बोलेंगे प्राइमरी डेली एक्शन, और कुछ हो या ना हो आपको रोज इन 3 कामों को करना है। और छठा, जो ये 3 काम आपने डिसाइड किए हैं ईमानदारी से इनको लगातार करिए, ये 6 काम करिए, आप देखिए कैसे आपके गोल पूरे होते चले जाएंगे। वो लीडर ही क्या, वो काम ही क्या जिसमें भूख याद आए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको भूख याद आ रही है, अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही है, कोई काम कर रहा है उसको परेशानी हो रही है कि सर गर्मी बढ़ी है, एसी बढ़ा दो, ये कर दो, खाना, यानी साला घंटा काम ही नहीं कर रहा। काम करने का मतलब है जब आप काम कर रहे हैं साला दुनिया में कुछ भी याद नहीं आ रहा, जिससे काम याद आ रहा है। मैंने मार्केटिंग में पैसा नहीं खर्च किया, मैं हर जगह चाहती थी कि जहां से मेरा पैसा बचे मैं बचाऊं, तो मैंने जितने फेसबुक के जो फ्री ग्रुप है कम से कम 1,000 ग्रुप है। क्या बात है, आज भी मेरी रूटीन है सुबह 4 बजे से 6 बजे तक मैं उन ग्रुप्स में अपना मैसेज फॉरवर्ड करती हूँ, पोस्ट करती हूँ फेसबुक पे। मुझे पता है 6 बजे से उठ के अगर कोई नोटिफिकेशन देखेगा अरे आज आटा खत्म हो गया है, अरे ये जरूर याद आएगा। और ये होता है, हम इतना ज्ञान देते हैं मार्केटिंग का, इसको बोलते हैं मार्केटिंग, कस्टमर को समझना। हाँ जी, लगा देना अपने आप को वो काम पे, दैट्स मार्केटिंग राइट फंडामेंटली। हाँ जी, लोग मतलब रिटेंशन, रिप्लेनिशमेंट, रिमाइंडर जैसे टेक्निकल करते हैं, बट आपने बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल से सोच के ये सब। चलिए बताइए क्या लिखा है मैंने, 13 एक आवाज आई, एक आई बी, 2 आवाजें मैंने सुनी। W किसने बोला, किसने बोला W? अरे दोस्त वेरी गुड, 3 चीजें सुनी। M 4 मैकडॉनल्ड उल्टा, अरे सर कमाल कर दिया आपने सर। 5 और W 6 I, ये भी कंफ्यूजन है आपको, 8-9 चीजें आप बता रहे हैं, अब बताइए ये क्या है। अब क्या है ये, अब बीच वाला क्या था, B। आपको पता कैसे चला बीच वाला क्या है, उसकी संगत देखकर। आप कौन है ये डिफाइन तब करेगा कि आप किन लोगों के बीच में रहते हैं, आप किन लोगों के बीच में रहते हैं वो डिफाइन करेगा आप क्या। दूध में जब पानी जाता है ना, तो दूध में मिलने के बाद पानी पानी नहीं रहता, क्या बन जाता है वो, दूध। क्यों, पानी जब दूध में जाता है तो अपना नाम, अपना पहचान, अपना अस्तित्व सब समाप्त कर देता है, तब दूध में के पास जाता है। दूध कहता है भाई तू मेरे से इतना प्रेम करता है कि अपना नाम पहचान मिटाने को तैयार है, कोई बात नहीं, आज के बाद मैं तुमको अपना नाम दूंगा, अपना रूप दूंगा, अपना स्वाद दूंगा, और यहां तक कि अपना मोल दे के तुमको अपने साथ बाजार में बिकवा दूंगा, कितना प्रेम। और दूध उस पानी को भी दूध बना के बिकवा देता है, सम उसी भाव में, अपने साथ में। उसी दूध को माई लोग
ला के बर्तन में रख कर जब चूल्हे पे चढ़ाती है ना और दूध गर्म होने लगता है तो पानी कहता है दूध से, मित्र तुमने अपना रंग दिया, स्वाद दिया, मोल दिया मुझे, मैं कुछ नहीं था, मुझे अनमोल बना दिया। चिंता मत करना मित्र, तुम्हारे साथ जब तक मैं रहूंगा मैं अपने आप को जलाऊंगा, तुम्हारे ऊपर आंच भी नहीं आने दूंगा। और पानी अपने आप को जलाने लगता है, दूध को बचाता है, और जब मित्र जलने लगता है दूध से बर्दाश्त नहीं होता, वो बर्तन से बाहर निकल के और उस आग को बुझाने दौड़ता है। तू मेरे मित्र को बुझा जलाएगा, उससे पहले मैं तुझे बुझाकर समाप्त कर दूंगा। कितना प्रेम हो। 20 आइडिया मेथड, जिसे यूज करके आप अगले 12 महीनों में 1 करोड़ या उससे भी ज्यादा कमा सकते हैं, वो क्या है जानेंगे आज की वीडियो में। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था ब्रायन ट्रेसी ने, जो एक मिलियनेयर कोच हैं और जिन्होंने 80 से भी ज्यादा सेल्फ ग्रोथ रिलेटेड बुक्स लिखी हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको खुद से पूछना है कि अगले 12 महीनों में आप 1 करोड़ कैसे कमा सकते हैं। अब आपको इस सवाल के कम से कम 20 आंसर्स लिखने हैं। हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, अपना ऑक्यूपेशन चेंज करना है, नई स्किल सीखनी है। आप जो भी आंसर लिखें आपको खुद को फोर्स करते रहना है जब तक आप अपने 20 आंसर्स ना लिख लें। इस प्रोसेस को कहते हैं माइंडस्टॉर्मिंग, और इसके अकॉर्डिंग आपके पहले 4-5 आंसर्स बहुत आसान होंगे, इसके बाद के 4-5 आंसर्स डिफिकल्ट होंगे, और आखिर के 10 आंसर्स बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होंगे। ब्रायन ट्रेसी के अकॉर्डिंग जिन जिन लोगों ने ये एक्सरसाइज सीरियसली की है उन्हें उन्होंने मिलियनेयर्स बनते देखा है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स द 20th आंसर जो मेन रीजन बनता है आपकी जिंदगी चेंज करने का। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर कर दो, और खुद को ग्रो कैसे करना है सीखने के लिए फॉलो करो।